हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इबीरॉक्स टीम। सीरिया लीग का मैच हो रहा है वेरोना वर्सेस मिलन के बीच 1 घंटे 14 मिनट के बाद। तो बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। बढ़ते हैं आगे। तो बात करें गाइस अगर इस मैच की, देन आपको बता दूँ कि पेरिस एंड जर्मन की वीडियो डल चुकी है, जाकर देख लो। वैसे पेरिस एंड जर्मन का मैच भी अच्छा, लेकिन ये भी ओपन आएगा, ठीक है, ये टीम ओपन आएगी। तो जो भी है क्लियर है, ठीक है। आज का दिन मेरे लिए इतना अच्छा नहीं है, मैं आपको सच बोलूंगा यार, मैं झूठ नहीं बोलता। आज मैं ना जो कर रहा हूँ अनएक्सपेक्टेड हो रहा है, उल्टा होता है। जिस टीम को फेवर करता हूँ उल्टी जीत रही है, तो थोड़ा सा रेस्ट लेना पड़ेगा। लेकिन आज संडे था तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैं शेड्यूल डाल चुका हूँ। जब मैं शेड्यूल डालता हूँ तो बहुत कम ही होता है, भगवान ना करके कि कैंसिल हो, क्योंकि गलत होता है यार। कोई मतलब कुछ अंडरस्टैंडिंग होती तो मैं कराता हूँ, कोई बेकार मैच होता है तो कैंसिल कराता हूँ। ऑलमोस्ट मैं सारे फुटबॉल के मैं टीम देता हूँ। बात करें स्ट्राइकर से तो गिरियोड, एंड गिरियोड इज़ अ पेनल्टी टेकर। कई लोग मुझे कहते हैं कि तुमने टियागो को ज़्यादा अहमियत नहीं दी, तो भाई मैं आपको बता दूं कि टियागो इतना खास प्लेयर है नहीं। मुझे कई पर्सन कमेंट कर रहे थे कि हम कैप्टन रख लें। देखो भाई, स्मॉल लीग में कैप्टन रखने का रीज़न नहीं बनता, वाइस कैप्टन का बनता है। लेकिन कैप्टन पूछोगे तो डिफेंडर का नहीं बनता, क्योंकि मिलन टीम अगर जीतेगी भी तो लंबे मार्जिन से जीतेगी, या दोनों तरफ से गोल नहीं होगा तो शायद आप जीत जाओ कैप्टन रख के। बाकी मेरा कहना यह है कि मैं गिरियोड के साथ जाऊंगा, क्योंकि गिरियोड के गोल चांसेस हैं ज़्यादा। बात रही लियाओ की, देन लियाओ को भी अपनी टीम में अपना वाइस कैप्टन रखने की सोच रहा था, और सोचा क्या मैंने रख ही लिया, क्योंकि लियाओ एंड गिरियोड की जोड़ी मुझे अच्छी लगी है बाकी सबसे। एंड लसागना की बात करें, लसागना और टी हेनरी में से एक ना एक तो गोल करेगा ही, ये तो देखो नॉर्मल सी बात है। वैसे मैं भगवान से कह रहा हूँ कि वेरोना गोल करे ना, लेकिन अगर हुआ 1% अगर हो गया, चलो मैं मानता हूँ वेरोना, क्योंकि वेरोना टीम गोल कर देती है, ऐसी टीम है, 3 गोल खाने के बाद 1 आधा गोल कर देती है। लेकिन अगर बाई चांस गोल हो जाता है तो हो सकता है कि लगासना गोल करे लसागना। एंड आगे से बात करें लेजोविक की, देन लेजोविक लास्ट मैच के अंदर 73 मिनट में सब्स्टिट्यूट हुआ बिना कुछ करे। मैं आपको बता दूं, सिर्फ 7 पासेस कंप्लीट किए थे, 7 पासेस एक बच्चा कंप्लीट कर लेगा, ठीक है, मैं आपको बता दूं, एक वो भी छोटे मैच में। और दूसरी बात, सिर्फ 1 इंस्क्रिप्शन किया। देखो, 1 इंस्क्रिप्शन करके कोई पहाड़ तो तोड़ नहीं दिया पूरे मैच में। तो मैं आपको बता दूं कि लेजोविक को असली लेने का कारण बताऊं क्या है, कि इलिक नहीं खेल रहा। क्योंकि अगर बाई चांस गाइस इलिक खेल रहा होता तो शायद मैं लेजोविक की तरफ मुड़कर भी ना देखता, जो कि मेरे को इसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ रही है अपनी वीडियो में। एंड बैनेसर की बात करें, यानी यहाँ पर इस्माइल बैनेसर जो कि बिना क्लीन शीट के अच्छे पॉइंट देता है, जबकि डिफेंडर को मैं ले सकता हूँ। मैं अभी बैनेसर को छोड़ूँ, और मैं आपको बता दूँ बैनेसर के गोल चांसेस 20% से भी कम है, तब भी मैं क्यों ले रहा हूँ, सिर्फ जस्ट फॉर पॉइंट्स। एंड आगे से बात करें डॉइक की, देन यहाँ पर लेंगे जॉश डॉइक को, लास्ट मैच में गोल कर गया, बट मैं इस रीजन से नहीं रख रहा। लास्ट मैच में गोल करके गया यार, जो मर्जी करे वो नहीं कह रहा मैं, क्योंकि पिछले मैच में गोल किया, मेरी टीम में नहीं था, बट मुझे ₹1 का नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि किसी की टीम में नहीं था। इतना बड़ा प्रेडिक्टेबल को अभी प्रेडिक्टर कोई नहीं है जो इसको प्रेडिक्ट करता कि ये गोल करेगा। जीएल में आप ले लोगे, लेकिन स्मॉल लीग में दम चाहिए की प्लेयर लेने का, है ना। आगे से बात करें दयास की, दयास तो लो भाई, पिछले मैच में भी लिया था, जीते थे, आज भी लो, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि दयास एक अलग प्लेयर है। एंड आगे से अगर बात करें टी हर्नांडिस की, इसके बारे में तो जितनी तारीफ करूँ कम है, बट जब ये पेनल्टी देता था तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि पेनल्टी आ जाती थी, बट नाउ इट वॉज नॉट ए पेनल्टी टेकर। लेकिन बाई चांस गिरियट सब्स्टिट्यूट हो जाता है, या भगवान ना करे गिरियट को इंजरी हो जाती है और उसको मैच से बाहर जाना पड़ता है, तो उसकी जगह पेनल्टी यही लेगा, ठीक है। एंड तमोरी की बात करें, तमोरी को रेड कार्ड मिला था लास्ट मैच में, बट वो दूसरी लीग का था, तो इस लीग में वो वैलिड नहीं होगा। एक नज़र में ये गोल करके गया था 8 अक्टूबर को, और की प्लेयर था। एंड आगे से बात करें कलुलू की जगह जो भी खेलेगा, यू कैन ट्राई कर सकते हो, बाकी करना ना करना आप पे डिपेंड है, क्योंकि कैलाबेरिया नहीं खेला था लास्ट मैच। आगे से बात करें मॉन्टिपो की, देन यहाँ पर लेंगे लोरेंजो मॉन्टिपो हर बार ड्रीम टीम में नाम इसलिए आता है क्योंकि तीनों मैचेस एक बड़ी टीम के खिलाफ हुए थे। नेपोली बड़ी टीम है, एटलांटा बहुत बड़ी टीम है, यूडिनेस अब अच्छा खेल रही है, वैसे बड़ी नहीं है लेकिन अच्छा खेल रही है, तो उनके सामने क्लीन शीट तो नहीं लगी, लेकिन विदाउट क्लीन शीट भी इतना बढ़िया प्रदर्शन इस प्लेयर ने दिखाया, सो बढ़िया लगा मेरे को। एंड बात करें कैप्टन की, कैप्टन है गिरियोड, वाइस कैप्टन है लियाओ, कॉम्बिनेशन को रिवर्स कर लेना अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा सेफ हो जाए। बाकी हद तक ये भी रिस्की नहीं है, रिवर्स करोगे वो भी रिस्की नहीं है। यहाँ पर अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन रिवर्स करते हो, फिर तो ये आपकी किस्मत पे डिपेंड हो जाता है, हम लोगों की, कि कौन गोल करता है। जो जेन्युइन होगा वो गोल कर देगा, जिसको मौका मिलेगा वो कर देगा। लेकिन अगर आप बोलोगे कि मैंने कैप्टन रखा है या ये गोल करके जाए, तो भाई ये तो पॉसिबल नहीं है। मैं तो बस बोल सकता हूँ, मैंने इसका रिकॉर्ड देखा है, सच्ची अच्छे तो मैंने कैप्टन रखा, क्योंकि गिरियड को मैं पहले से जानता हूँ, जब ये चेल्सी में था तब से इसको मेरे को पता है कि कैसा है, तो मैं इसलिए हर बार रखता हूँ इसे। बाकी लियाओ थोड़ा तेज़ है, इसको भी रख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।